आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए हाल फिलहाल में चल रही ट्रेड विंडो के दौरान अभी पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार ट्रेड की काफी अधिक खबरें देखने को मिल रही है, जहां पर जाडेजा इसके साथ राहुल तेवतिया, रविशाई किशोर, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर हमें लगातार काफी अधिक खबरें देखने को मिली। इसके साथ ही आज यहाँ पर पांच और खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर बड़ी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई। इसके साथ ही ये भी पता चल चुका है कि कौन सी टीमों ने पांच खिलाड़ियों को ट्रेड किया, इनकी ट्रेड को लेकर क्या अपडेट, क्या खबर है, आपको इस वीडियो में मैं डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब हाल फिलहाल में ट्रेड विंडो के दौरान कौन से पांच खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर क्या खबर निकल कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुभमन गिल की ट्रेड को लेकर खबर निकल कर रही है कि आरसीबी की टीम शुभमन गिल को यहाँ पर अपनी टीम में किसी भी हाल में ट्रेड करने को तैयार हो चुकी है। शुभमन गिल के बदले आरसीबी की टीम यहाँ पर गुजरात को दो खिलाड़ी भी अपनी टीम से देने को तैयार हो चुकी है। तो काफी हद तक ये चांस है कि यहाँ पर शायद शुभमन गिल इस साल यहाँ पर ट्रेड होकर आरसीबी में चले जाए, यहाँ पर शुभमन गिल यहाँ पर आरसीबी में जा सकते हैं। ये बड़ी अनाउंसमेंट है हमें ट्रेड विंडो के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि दूसरे प्लेयर के रूप में यहाँ पर नाम आता है कायरन पोलार्ड का। कायरन पोलार्ड को भी ट्रेड करने के लिए गुजरात और पंजाब की टीम मुंबई से लगातार काफी अधिक समय से बात कर रही है, लेकिन मुंबई की टीम पोलार्ड के बदले एक ऑलराउंडर की तलाश कर रही है। अगर पंजाब की टीम शायद मुंबई में लिविंगस्टन को भेजती, या फिर गुजरात अगर किसी क्वालिटी ऑलराउंडर को भेजती है, तो शायद मुंबई की टीम यहाँ पर पोलार्ड को ट्रेड कर दे। हो सकता है कि पोलार्ड भी या तो गुजरात या फिर पंजाब में से अब एक टीम में जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, इसके बाद नाम आता है अंबाती रायडू का। अंबाती रायडू की भी यहाँ पर हैदराबाद में ट्रेड को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। यहाँ पर रायडू के बदले चेन्नई की टीम एक युवा बल्लेबाज की मांग कर रही है, तो हो सकता है कि चेन्नई को यहाँ पर अंबाती रायडू के बदले एक युवा बल्लेबाज मिल जाए, जिनके साथ चेन्नई की टीम लंबे समय तक कंटिन्यू रहे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हैदराबाद में रायडू की हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पर चौथे बल्लेबाज चौथे प्लेयर के रूप में नाम आता है यहाँ पर रवि अश्विन का। तो अश्विन को भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हाल फिलहाल में लेटेस्ट खबरों के अकॉर्डिंग कोलकाता की टीम इनसे अप्रोच करी है। कोलकाता की टीम यहाँ पर राजस्थान और यहाँ पर अश्विन के साथ अप्रोच करी है। कोलकाता की टीम को वरुण चक्रवर्ती के खराब फॉर्म की यहाँ पर अब चिंता है, तो ये टीम अश्विन को स्पिन गेंदबाज के रूप में अपनी टीम में यहाँ पर इंक्लूड करना चाहती है। तो अश्विन यहाँ पर कोलकाता में ट्रेड हो सकते हैं। हालांकि कोलकाता की तरफ से हो सकता है कि यहाँ पर राजस्थान में अजिंक्य रहाणे वापस आ जाए, अजिंक्य रहाणे की वापसी हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवें प्लेयर के एडजेंट नाम आता है जाडेजा का। जाडेजा को ट्रेड करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स मुंबई ने चेन्नई को प्रपोजल दिया था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों टीमों के प्रपोजल को चेन्नई ने रिजेक्ट कर दिया था। आरसीबी की टीम ने भी इनको प्रपोजल दिया। हो सकता है कि आरसीबी के प्रपोजल को ये टीम मान जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आरसीबी को भी ये टीम मना कर दे। लेकिन आज की तारीख में इन पांच खिलाड़ियों की ट्रेड को लेकर ये पांच बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए इस ट्रेड विंडो में आप अपनी फेवरेट टीम में कौन से खिलाड़ी को आके ट्रेड होते हुए देखने चाहते हो, और इन टीमों में से आपको इन खिलाड़ियों को ट्रेड करने वाला सही डिसीजन लगा या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।